शर्त या बेट। अब ये शर्तें जो होती हैं ये हम सभी लोग लगाते हैं। अब इन शर्तों को कुछ लोग पैसों के लिए और कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी बात को ऊपर रखने के लिए ही इन शर्तों का सहारा लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर किसी शर्त के चलते कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी एंटिटी आपके पीछे पड़ जाए जो यहां पर आपकी जान भी ले ले। तो आज की कहानी ऐसे ही दो दोस्तों के बारे में है जिन्होंने मजे मजे में एक ऐसी शर्त लगा डाली जिसके चलते एक बेगुनाह की यहां पर जान चली गई। तो क्या है पूरा का पूरा मामला, ये मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। तो कहानी है हेमंत और प्रवीण के बारे में। ये दोनों स्कूल टाइम से बेस्टीज थे और आज भी जिंदगी में ये बहुत कुछ अच्छा कर रहे थे और एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एक बार प्रवीण यहाँ पर हेमंत के घर पे जाता है। यूजुअली वो हेमंत के साथ में ही यहाँ पर जो है चिल वगैरह किया करता था, उसके घर पे यहाँ पे रिलैक्स वगैरह करता था। आज वो उसके घर पे जाता है और वो उससे एक बहुत ही यूजुअल सा सवाल पूछता है, यार हेमंत मुझे एक बात बता, तेरे सामने वाले घर में वो औरत कौन है? उसने कहा क्या मतलब? उसने कहा वो औरत है ना उधर तेरे घर के सामने, वो मुझे बहुत वक्त से देखती है, घूरती रहती है मुझे पागलों की तरह। क्या चाहती है वो? अगर उसे कुछ और ही चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। बेसिकली वो इसी तरीके से यूजुअली बात किया करते थे जैसे दो लड़के आपस में बात करते हैं, गाली गलौज भी देते थे, वो मैं इधर नहीं दे रहा हूँ, बट वो इसी तरीके से यूजुअली बात करते थे। उसने यही बोला, यार लड़की तो बहुत गजब की है, अगर वो कुछ चाहती है और उसी की तरफ से अगर इंडिकेशन आ रहा है, यार हेमंत तो मुझे कोई बुराई नहीं है, देख तेरी पड़ोसन है, तू चाहे तो एक बार बात करवा सकता है। हेमंत ने पूरी कॉन्वर्जेशन सुनी और लगातार उसके चेहरे के ऊपर एक शिकन बरकरार थी। वो यही सोच रहा था आखिर किस लड़की के बारे में बात कर रहा है, ये पागल तो नहीं हो गया? अभी तक तो शराब की बोतलें खुली भी नहीं थी और वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा था। उसने उससे ये पूछा, भाई तू जिस लड़की के बारे में बात कर रहा है वो तो तू ही जाने, लेकिन तू जिस घर के बारे में बात कर रहा है ना उसके बारे में मैं तुझे बता सकता हूँ। ये घर पिछले 4 साल से बंद पड़ा है, इस घर में कोई लड़की नहीं है, लड़की छोड़ लड़का कुत्ता बिल्ली कौवा कोई भी यहाँ पर नहीं है। तूने इस घर के अंदर कौन सी लड़की देखी? वो कह रहा है मैं पिछले 3-4 महीने से देख रहा हूँ यार, लगातार जब भी मैं आता हूँ तो मुझे उस लड़की की झलक दिखाई देती है। उसने कहा देख बोलना तो मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि तेरे मन का ये वहम है, लेकिन मैं तेरे से झूठ नहीं बोलूंगा, ये घर हॉन्टेड है। जैसे ही प्रवीण ने बात सुनी वो हंसने लगा, बहुत तेज हंसने लगा। उसने कहा अच्छा अच्छा तो उस लड़की की आत्मा भटकती होगी यहाँ पर, अब ये भी तू बोलेगा? उसने कहा भाई देख सचमुच उस लड़की की आत्मा ही भटकती है और कई लोगों को वो लड़की दिखाई देती है, और कई बार लोगों ने ऐसा भी देखा है कि इसकी छत के ऊपर एक लड़की घूमती हुई दिखती है जो अचानक से गायब हो जाती है। किसी को वो कुछ नहीं कहती, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि वो इस हॉन्टेड हाउस के अंदर चला जाए, इसीलिए लोग इसको हॉन्टेड हाउस कहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की यहाँ पर मौत हो गई हो या फिर कौओं की लाशें या कुत्ते वगैरह यहाँ पे मरे हुए दिखाई दिए, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वो लड़की कई बार लोगों को दिखाई दी। अब तुझे 3-4 महीने से क्यों दिख रही है भाई, ये तो मैं नहीं कह सकता। प्रवीण जो था वो बहुत ही मजाकिया टाइप का था, और होते ही जैसे नॉर्मली दिल्ली हाइट्स होते हैं ना, अगर आप दिल्ली के लोगों से मिले हैं या दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो आप समझ सकते हैं, दिल्ली गुड़गांव नोएडा के लोग इसी तरीके से बहुत रिलैक्स होते हैं और गाली गलौज वगैरह वो थोड़ी ज्यादा ही रखते हैं मुंह के ऊपर। तो उसने ये बात बोली, यार अगर लड़की चाहती है भले मर गई हो लेकिन थी तो खूबसूरत यार। अब वो खूबसूरत छोड़ करके कुछ और ही शब्द बोल रहा था जो मैं नहीं बोलना चाहता, भाई थी तो वो खूबसूरत ही, और अगर वो चाहती है कि वो मेरे साथ हो जाए तो ऐसी बला के लिए तो भाई हम मरने को भी तैयार हैं। उसने कहा देख ये चीज़ें ना मौज मस्ती के लिए बोलने में ठीक लगती हैं, लेकिन तुझे पता नहीं है कि इन शक्तियों से सामना कैसे किया जाता है। हेमंत की सारी बातें प्रवीण को बहुत अजीब लग रही थी। उसने कहा तू लगातार हॉन्टेड हॉन्टेड कर रहा है, आखिर कोई स्टोरी तो होगी इसके पीछे की, या अपने आप ही मन से बस हॉन्टेड बना दिया? क्या पता वो लड़की सचमुच वहां पर रहने आ गई हो और खाली कर देखा और तुम लोग ये सोचने लग गए हो कि भाई ये तो हॉन्टेड हाउस था इसलिए यहाँ पर तो कोई लड़की रह नहीं सकती। उसने कहा देख मैं तुझे एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर एक लड़की की फैमिली रहती थी जिसका नाम था सृष्टि, उसका हस्बैंड भी था, और उसका हस्बैंड काफी ज्यादा अब्यूजिव था। वो जब प्रेग्नेंट थी तो उसका कई बार यहाँ पर अबॉर्शन भी कराया गया, क्योंकि उसके पेट में गर्ल चाइल्ड था इसलिए उसका अबॉर्शन वगैरह कराया गया। इतना वो बोलने लगा कि प्रवीण ने हेमंत को वहीं चुप करा दिया। उसने कहा अच्छा अच्छा आगे ये हुआ होगा।
भाई उसके पति ने उसको प्यार नहीं किया, वो उसको मारता पीटता तो था ही, अब्यूसिव तो था ही वो, और फिर उसने फांसी लगा ली होगी और तब से वो मर गई है। उसका हस्बैंड इसके बाद भाग गया होगा, बच्चे उसके थे नहीं, वो अकेली रह गई और उसकी आत्मा भटक रही थी, यही कहानी है। हेमंत ने कहा भाई कहानी ऐसी तो नहीं लेकिन मिलती जुलती जरूर है। उसने कहा देख यार किसी भी हॉरर स्टोरी मत सुना यार, फालतू की बातें तो किया मत कर। देख मुझे कोई हॉन्टेड वॉन्टेड ये जगह नहीं लगी, और तुम्हें लगती हो तो लगती हो, अगली बार उस लड़की ने मुझे देखा तो भाई मैं तो हो जाऊंगा उसके पीछे पागल। अब आगे तुम देखो भाई जो तुम्हें देखना हो। उसने कहा देख भाई तू ऐसा मत कर। लगातार बस यही बातें चल रही थी कि ये डिस्कशन यहां पर ओवर हो गई, बात काम की शुरू हुई और काम की डिस्कशन हुई, शराब वराब पी उन्होंने और यहां पर प्रवीण हेमंत के घर पे सो गया। अगले दिन वो काम पर गया, कुछ दो तीन दिन के बाद में वो दोबारा से हेमंत के घर आ रहा था तो उसे वो लड़की दोबारा से दिखाई दी। वो ऐसी लड़की नहीं थी कि सफेद साड़ी पहन करके लंबे बाल इधर बाह करके या उसकी आंखें इधर बिल्कुल लाल हो या नखून बहुत लंबे हो, ऐसे नहीं बिल्कुल अजीब तरीके से दिखती हो, नहीं नॉर्मल सी लड़की थी, जैसे आसपास के मोहल्ले में आपके मोहल्ले में जैसे नॉर्मल लड़कियां होती हैं, जैसे लोग नॉर्मल दिखते हैं बिल्कुल वैसी थी वो, नॉर्मल कपड़े पहनती थी वो। उसको दिखाई दी और आज उस लड़की ने उसको उंगली के इशारे से अपने पास बुलाया और एक बहुत ही प्यारी स्माइल पास करी। देख करके कोई नहीं कह सकता था कि ये लड़की जो है ये यहाँ पर भूत है या इंसान। प्रवीण दोबारा हेमंत के घर पे गया और उसने पूरी बात बताई। हेमंत ने भी उस घर की तरफ देखा आज और कहा यार मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। प्रवीण ने कहा एक काम करते हैं ना, अगर वो सचमुच भूत है तो वो मेरे पीछे यहाँ पर लग जाएगी या फिर मुझे जान से मार डालेगी, ठीक है? तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर शर्त लगा लेते हैं 5,000 की। अगर मैं वहां पर गया और मैं वहां पर सेल्फी लेकर के अपनी आ गया तो तू मुझे 5,000 रुपए देगा। बोल है हिम्मत? अगर है तो शर्त एक्सेप्ट कर। इधर हेमंत को लगा कि क्या पता 5,000 का झटका लगे। उसने कहा ठीक है तू एक बार जा और एक बार सेल्फी लेकर के आ, लेकिन एक शर्त है मेरी, वहां पर जब तू सेल्फी लेगा तो तू मुझे कॉल भी करेगा और कॉल करने के साथ में तू वहां पर मेरे से बात करेगा, और अगर तेरी सेल्फी के अंदर कुछ ऊंच नीच हुई और कुछ फोटो के अंदर हमें उल्टा सीधा दिखाई दिया तो तू मान लेगा कि ये जगह हॉन्टेड है। उसने कहा ठीक है। प्रवीण निकल पड़ा उस घर की ओर और वो उस घर में पहुंच गया। घर को जब उसने देखा, घर खंडर था लेकिन घर के अंदर एक क्रीपी वाइब जरूर थी। क्रीपी वाइब होने का रीजन ये भी हो सकता है कि पहले से उसको हॉन्टेड हाउस बना दिया गया है बोल बोल करके, तो भाई उसके दिमाग में वो चीज छप गई। वो इधर उधर घूमा, उसे कुछ नहीं मिला। उसने वहां पर अपनी एक सेल्फी ली, उसके पीछे एक दीवार थी उधर उसने सेल्फी ली, और यहां पर सेल्फी खींचने के बाद में उसने हेमंत को कॉल करा। हेमंत को जब उसने कॉल करा तो लगातार जो आवाज थी वो कट रही थी, हेमंत की आवाज लगातार कट रही थी और प्रवीण बस यही बोल रहा था हेलो हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है। उधर से हेमंत ने बात बोली कि बे फट्टू डर गया ना, हो गया तेरी ऐसी तैसी, अब आ जा वापस। उसने कहा मैं डरा नहीं हूं, मैं तुझे कॉल करके बता रहा हूं कि देख मैं यहां पर आ सकता हूं। ये कॉन्वर्जेशन हुई, आवाज कटने लगी, लगातार आवाज कटी और उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट। प्रवीण ने देखा कि उसके फोन के नेटवर्क जाग चुके हैं। उसे लगा चलो भाई कोई बात नहीं, नेटवर्क जाना कोई बड़ी बात तो नहीं है, कि इतने में उसके कान पर किसी ने फूंक मारी और बहुत ही ठंडी सी हवा उसके कानों के आसपास से होकर के गुजरी। उसको लगा आखिर ये हवा आई कहाँ से, क्योंकि पूरा घर वो बंद था, वेंटिलेशन की भी जगह नहीं थी, सारे दरवाजे बंद थे, हवा आने का कोई मतलब वहां पर था नहीं। इतने में किसी ने यहां पर प्रवीण की गर्दन पे दो बार टैप किया। दो बार जैसे ही टैप किया उसको एक लड़की की आवाज अपने कानों पर महसूस हुई, तुम मुझे अपनाना चाहते थे, मैं भी तुम्हें अपनाना चाहती हूं, अब तुम चाह करके भी मुझसे दूर नहीं हो पाओगे। जैसी उसने बात सुनी उसने अपनी गर्दन पीछे मुड़ी, लेकिन पीछे कुछ नहीं था, वही दीवार थी, लेकिन उसको दीवार के ऊपर किसी की आकृति बनते हुए, किसी का साया बनता हुआ नजर आया जो एक लड़की का था, जो एक पल के लिए आया जरूर और उसके बाद अचानक से गायब हो गया। प्रवीण काफी डर गया था, उसको लगा इस घर के अंदर कुछ तो अनयूजुअल है, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं हुआ था। ये नहीं कि वो गिर गया हो या उसको किसी ने चोटिल कर दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो भागते हुए गया हेमंत के पास में और यहां पर डरा हुआ वो जरूर था लेकिन फिर भी वो अपनी वाहवाही दिखाना चाहता था। उसने कहा देख मैं गया और सेल्फी लेकर के आ गया। उसने कहा अच्छा। हेमंत ने जब उस सेल्फी को देखा उसने कहा इस सेल्फी के पीछे मुझे एक लड़की खड़ी हुई दिखाई दे रही है, ये लड़की कौन है? उसने कहा कौन लड़की? प्रवीण ने ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि प्रवीण ने जब फोटो खींची थी तो कोई लड़की नहीं थी वहां पे।
प्रवीण ने जब उस फोटो को देखा तो कोई लड़की नहीं, फिर हेमंत ने भी उस फोटो को जब देखा तो उधर कोई लड़की नहीं थी, लेकिन प्रवीण के इधर होशो आवाज उड़ चुके थे ये बात सुनते। तो इतने में हेमंत हंस पड़ा, उसने कहा देख मैं जानता तो था तू डरेगा तो जरूर, और तू डर भी गया, चल छोड़ इस बात को, तू मुझे ये बता तेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और तूने मुझे कॉल क्यों नहीं करी यार। जैसे ही हेमंत ने प्रवीण को ये बात बोली, उसने कहा तू पागल हो गया, मैंने तुझे कॉल करी थी, तूने कॉल भी उठाई है और अब तू मुझे ये बात बोल रहा है कि मैंने तुझे कॉल ही नहीं करी। उसने कहा बेवकूफ इंसान, तेरी कोई कॉल मेरे पास में नहीं आई, जब फोन देखा तो इधर सचमुच प्रवीण की कोई भी कॉल नहीं आई थी। अब क्वेश्चन ये था कि दूसरी साइड से आखिर बोल कौन रहा था, क्योंकि इधर हेमंत के पास प्रूफ था कि उसने कॉल नहीं उठाई है। प्रवीण ने बात बोली, मुझे पता था तू यही बकवास करने वाला है, इसीलिए मैंने अपने फोन में रिकॉर्डर ऑन कर रखा था, अब तू देख मैं तुझे यहां पर सच्चाई सुनाता हूं। रिकॉर्डर यहां पे ऑन हुआ तो यहां पे आवाज आई, पहले प्रवीण ने बोला हेलो हेमंत, हेमंत सुनाई दे रहा है? हेमंत ने बोला अबे क्यों बे फट्टू साले, फट गई तेरी। इसी के बीच में, इन दोनों की कॉन्वर्जेशन के बीच में एक आवाज लगातार गूंज रही थी, हेलो हाँ आवाज आ रही है, हेलो हेलो हेमंत हेमंत क्यों बे फट्टू, इस तरीके से लगातार एक आवाज कॉल को डिस्टर्ब कर रही थी, और उसके बाद जैसा आप जानते हैं कि कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। ये चीज उन दोनों ने सुनी, लेकिन आखिर वो तीसरी आवाज किसकी थी ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। हेमंत का ये कहना था कि मैंने कॉल उठाई नहीं, और प्रवीण के रिकॉर्डर में हेमंत की आवाज रिकॉर्डेड थी। सच्चाई क्या थी इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। दोनों ने सोचा जो हुआ उसको जाने दो, हम इसके बारे में किसी से कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जिससे भी अगर हमने डिस्कस किया तो यहां पर प्रॉब्लम बहुत बढ़ सकती है। प्रवीण यहां पर अपने घर वापस चला गया, डरा हुआ वो था ही। अगली सुबह उसका कॉल आई और उसने ये कहा हेमंत मुझे वो लड़की सपने में दिखी है यार, और वो मुझे कह रही है कि तुम मेरे साथ चलो, अगर तुम मेरे साथ नहीं चले ना तो मैं तुम्हारे परिवार को खत्म कर दूंगी, भाई मुझे बचा ले, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं यहां पर भगवान की कसम खाता हूं मैं मजाक नहीं कर रहा। हेमंत कहीं ना कहीं प्रवीण की बात पर यकीन कर रहा था, क्योंकि प्रवीण झूठ नहीं बोल रहा था। वो भाग करके उसके घर पे गया तो प्रवीण यहां पर दुबक करके अपने कमरे में बैठा हुआ था, बिल्कुल सहमा हुआ। गर्मी के महीने में वो ठिठुर रहा था और दीवार की तरफ देख रहा था। हेमंत ने कहा क्या हुआ पागल इंसान, हुआ क्या तुझे और ऐसे कांप क्यों रहा है? उसने कहा वो लड़की वहीं खड़ी है और वो मुझे देख करके हंस रही है। हेमंत हेमंत तू जा, तू चला जा, वो तुझे बहुत गुस्से से देख रही है, तुझे मार देगी भाई, वो तुझे मार देगी, तू भाग जा। लेकिन हेमंत ने जब उधर देखा तो उधर कोई नहीं था। इतने में हेमंत ने कहा कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मैं हूं ना तेरे साथ में, तू घबरा मत। उसके किसी ने पीछे से बाल पकड़े और दीवार पर खींच करके उसका सर यहां पर लगाया, इतनी तेज उसका सर लगा कि उसका सर यहां पर पीछे से फट गया। उसे समझ आ चुका था कि जो उन्होंने शर्त लगाई है उस शर्त के चलते ही एक ऐसी एंटिटी प्रवीण के पीछे पड़ गई जो शायद अब उसको यहां पर जीने नहीं देगी। दोनों को समझ नहीं आ रहा था वो किस पे जाए, बहुत उन्होंने हथकंडे अपनाए, लगातार प्रवीण की तबीयत यहां पे खराब होने लगी, वो पागलों की तरह यहां पे बिहेव करने लग गया। नींद की दवाई देने के बावजूद भी वो सोता नहीं था और लगातार यहां पर उसका शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था। डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रहा था कि इसका शरीर ऐसे ठंडा क्यों पड़ रहा है। अगले दिन हेमंत को यहाँ पर किसी का नंबर मिला और उसको मालूम चला कि ये आदमी जो है ये कुछ मदद वगैरह कर सकता है। उसने कहा अभी तो रात के कुछ यहाँ पर 1 बज रहे हैं, इसके घर जाना ठीक रहेगा नहीं, तो मैं कल चला जाऊँगा। वो सोया, सोते के साथ में ही जो लड़की उसने कभी भी जीते जी अपने सामने नहीं देखी थी वो लड़की उसके सपने में आई और उस लड़की ने उसकी बहन की गर्दन अपने हाथ से पकड़ रखी थी। उसकी बहन तड़प रही थी, हेमंत की बहन उसकी गर्दन पकड़ रखी थी और ये कहा अगर अपनी बहन की और अपने परिवार की सलामती चाहता है तो हमारे मामले में दखलंदाजी मत कर, तू जानता नहीं है कि मैं तेरा क्या क्या कर सकती हूं, हमसे बिल्कुल दूर रह, ये सिर्फ एक चेतावनी है, अगर कल को जाकर के तूने प्रवीण की मदद करी या किसी भी पंडित किसी भी मौलवी पर तू गया तो याद रखियो 12 घंटे के अंदर अंदर तेरी बहन की मौत निश्चित है, चाहे कितनी ही जगहों पर उसको छुपा लियो, चाहे तू जहां लेकर जाना चाहे वहां ले जाइयो, लेकिन उसको मैं मार डालूंगी और उसके बाद में तेरे परिवार के एक एक सदस्य को, बिल्कुल चुप रह अपनी भलाई चाहता है तो। हेमंत ने यही हाथ जोड़ लिया, उसने तो साफ कह दिया कि भाई मैं तो किसी की मदद करने वाला हूं नहीं।
वो औरत उसके बाद उसको दिखाई नहीं दी। प्रवीण के पेरेंट्स को कभी उसने सच ये बताया नहीं कि आखिर इधर प्रवीण के साथ क्या हुआ। लेकिन प्रवीण की जो माँ थी उनको कहीं ना कहीं इधर शक हुआ कि इधर कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, क्योंकि अचानक से ऐसे जो तबीयत बिगड़ी थी उसकी, ये कोई नॉर्मल सिम्टम्स नहीं थे। वो उसको एक बाबा पर लेकर जाने के लिए राजी हो गए सभी लोग। और जब उसको लेकर जा रहे थे, उसका शरीर बहुत निढाल था, उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं, गर्दन उसकी झुकी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि मानो जिंदा लाश यहाँ पर चल रही हो। उसको वो लेकर के जा रहे थे, अचानक उसमें इतनी शक्ति आई, वो यहाँ पर हंसने लगा, बहुत तेज तेज हंसने लगा। भाग करके वो वापस अपने घर में गया। पहले तो उसने मेन गेट को लॉक किया जो लोहे का था, फिर अपने कमरे को उसने यहाँ पर लॉक किया जिसके बाहर एक लकड़ी का दरवाजा और अंदर से लोहे का दरवाजा, उसको उसने बंद किया। अब लोहे के दरवाजे को तोड़ना यहाँ पर बहुत मुश्किल बात है। किसी तरीके से मेन गेट को तोड़ा गया, आधे घंटे इन सब चीजों में निकल गए। उसके बाद में उसके कमरे के दोनों गेटों को तोड़ा गया। तो यहाँ पर जब उन्होंने देखा तो प्रवीण का जो मुंह था वो बाल्टी के अंदर पड़ा हुआ था और वो मर चुका था। कितनी अजीब बात है कि एक इंसान का मुंह किसी बाल्टी के अंदर डाल दिया जाए। वो अपने चेहरे को खुद ही बाल्टी से बाहर निकाल लेगा, लेकिन उसका चेहरा यहाँ पर बाल्टी से बाहर नहीं निकला था। जब पोस्टमार्टम वगैरह यहाँ पर हुआ तो मालूम चला कि इसके फेफड़ों में पानी भर गया था और ये डूब करके मर गया। अभी डूब करके मरना भी बहुत अजीब चीज है, क्योंकि इसके अंदर या तो पानी इतना ज्यादा होता कि वो आदमी उसके अंदर डूब जाए, पूरा सबमर्ज हो जाए, ऐसा नहीं था। उसका सिर्फ मुंह था बाल्टी के अंदर, पूरी बॉडी उधर बाहर थी, वो आदमी मर चुका था। सबको ये बात समझ में आ चुकी थी कि इसके साथ में कुछ ना कुछ तो पैरानॉर्मल हुआ है। यहाँ पर उसका अंतिम संस्कार वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया। फिर यहाँ पर हेमंत से सच्चाई पूछी गई। हेमंत पहले बताने को तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी उसने इस बात को बता दिया और पूरी बात उसने शुरुआत से अंत तक बता दी उसके घर वालों को कि यहाँ पर हम लोगों के बीच में ऐसे ऐसे शर्त वगैरह लगी थी और ये वो हॉन्टेड हाउस था जिसके अंदर ऐसा हुआ था। उसके पेरेंट्स मानने को तैयार नहीं थे। आस पड़ोस के लोगों ने ये बात बोली कि हाँ, ये जो लड़का बात बोल रहा है ये सच है, ये घर सचमुच हॉन्टेड है। अब है कि नहीं ये नहीं पता। वहां पर वो लोग उस हॉन्टेड हाउस के अंदर गए, एक पंडित को भी लेकर के वो गए। उस पंडित ने ये बात बोल दी कि ये घर हॉन्टेड अब नहीं है, ये एक वक्त पर हॉन्टेड था, अब जो स्पिरिट यहां पर मौजूद है वो आजाद हो चुकी है और वो आजादी जो उसको दिलाई है वो आप ही के बेटे ने दिलाई है। वो यहाँ पर आया था और आकर के उसने शायद से इस आत्मा को ये बात बोली होगी कि अगर तू मुझे अपनाना चाहती है तो मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूँ। ये बात फिर हेमंत ने आगे बताई कि हाँ, ऐसा भी कुछ हुआ था जो उसको याद नहीं था। उसने कहा कि प्रवीण जब मेरे पास वापस आया था तो उसने ये बात बताई थी कि मुझे वहां पर किसी की प्रेजेंस फील नहीं हुई, तो मैंने मजे मजे में उस औरत को यहाँ पर ललकार दिया और ये कहा कि देखो, मैं जानता हूँ तुम मुझे बहुत वक्त से डर थी और अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर चलने को तैयार हूँ, तुम मुझे अपना सकती हो। ये बात उसने बहुत जल्दी में बोली थी और बहुत तेज फ्लो में बोली थी और उस वक्त पे बोली थी जब इस बात को उतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी जा रही थी। मतलब कि वो कॉन्वर्जेशन, फोन वाली कॉन्वर्जेशन के बाद उसने ये बात बोली थी और बहुत शॉर्ट में उसने बात बताई थी। तो ये चीज जो थी हेमंत के दिमाग से उतर गई थी और यही बात उस पंडित ने भी बोली कि इसी के चलते वो आत्मा इस पे फिदा हो गई और इस लड़के ने उसको मुक्ति दिलाई और इसको वो अपने साथ लेकर के जा चुकी है। आपका बेटा जा चुका है, वो कभी वापस नहीं आएगा और इस घर के अंदर जो भी एंटिटी थी वो भी जा चुकी है। इन बातों को कुछ 3-4 महीने बीत गए, हंगामा तो बहुत हुआ, पुलिस केस वगैरह का कोई सीन बनता नहीं था क्योंकि शर्त लगी थी, किसी का मर्डर वगैरह थोड़ी हुआ था, कुछ था भी नहीं। हंगामा वगैरह बहुत हुआ, उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा लड़े भी, लेकिन उसके बाद सभी लोग शांत हो गए। आखिर कब तक एक बात को कोई खींच सकता है, तो वो बात आखिर में खत्म हो ही गई। 3-4 महीने के बाद में जो वो फोटोग्राफ थी वो हेमंत के पास में थी। हेमंत को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं इस फोटोग्राफ का क्या करूं, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि उस फोटो के अंदर कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। उसको अपने आप ये ख्याल आया, कुछ ऐसा लगा नहीं था उसको, यानी कि उसको दिख रहा उस फोटो के अंदर। वो वहां पर एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के पास उस फोटो को ले गया, उसको उसने शुरुआत से अंत तक पूरी बात बताई। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने जब उस फोटो को देखा, वो फोटो बिल्कुल नॉर्मल ही लग रही थी जैसे वो थी, लेकिन उसके मन में भी कहीं ना कहीं एक सवाल था कि कुछ ना कुछ तो शायद इस फोटो के अंदर अनयूजुअल सा है। उसके पास में एक बीम थी, अब वो बीम कौन सी थी ये नहीं पता, उसके पास में बीम थी, रेड कलर की बीम थी। उससे जब उसने उसको देखा, उस फोटो को उसने देखा, और उसके बाद में जब उसने हेमंत को यहाँ बुलाया, उसने कहा क्या तुम अब देख पा रहे हो कि इसके पीछे क्या है। उसने उस फोटो के ऊपर बाद में मैग्नीफाइंग ग्लास भी लगाया और उसके बाद में उसने उसको हेमंत को दिखाया। पहले तो बीम थी जो उस फोटो के ऊपर रिफ्लेक्ट हुई थी, जो हर जगह स्कैटर हो गई थी, उसके बाद में वो उसने दिखाया। तो यहां पर हेमंत और उस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने देखा
कि एक औरत है जो यहाँ पर प्रवीण की गर्दन को काटने की कोशिश कर रही है, वो उस फोटो में ही है, लेकिन वो किसी को यहाँ पर नेकेड आइज से दिखाई दे ही नहीं रही थी। वो औरत वहाँ पर मौजूद थी। वो जैसे ही चीज उसने देखी हेमंत ने, उसने दो कदम घबरा करके पीछे लिए। वो बहुत ज्यादा डर गया और उसके बाद में उसे समझ नहीं आया कि आखिर वो अपनी आंखों पर विश्वास करे तो करे कैसे, क्योंकि नेकेड आइज से उसको कुछ भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था। वो फोटो उसने कुछ टाइम तक अपने पास में रखी, लेकिन जब भी उस फोटो का ख्याल उसके मन में आता था, उसके जहन में उठता था, वो डर जाता था। उसके बाद में उसने उस फोटो को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन एक दुख हमेशा उसके मन में रहा कि काश अगर वो उस शर्त को नहीं लगाता तो शायद एक बार को प्रवीण बच सकता था। शायद प्रवीण वैसे भी उस घर में जाता तो जरूर, क्योंकि वो उस लड़की के पीछे पागल सा हो तो गया था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हेमंत अपने आप को इसके पीछे दोषी मानता है। अब सच्चाई तो बस यही है कि चाहे दोषी मानो या ना मानो, एक इंसान तो यहाँ पे खत्म हो ही चुका। अब कल मैं यहाँ पर क्राइम रिलेटेड एक वीडियो लेकर के आऊँगा, जैसा मैंने आपसे कल यहाँ पर एक पोस्ट में पूछा भी था कि क्या आप लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करेंगे या नहीं। तो कल एक क्राइम रिलेटेड वीडियो इसी चैनल पर आएगी, तो आप मुझे ज़रूर बताना वो आपको कैसी लगती है। बाकी आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था। अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप कंफर्टेबल हो वहाँ पर जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था। जल्द मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।